हादा क्षेत्र के खागी मुंदेरा ग्राम सभा में जिला पंचायत सदस्य के पुत्र को गोली मारकर की गई हत्या। हत्या के बाद बदमाश हुए फरार, सीने में लगी गोली। हादा कोतवाली क्षेत्र के खागी मुंदेरा ग्राम सभा में जिला पंचायत सदस्य के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि घर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। वहीं जिला पंचायत सदस्य के पुत्र के सीने में गोली लगने से उसके पुत्र कमलेश सिंह की मौत हो गई। गोली मारकर वहीं बदमाश फरार हो गए। मृतक कमलेश सिंह की मां जिला पंचायत हैं। उसके बाद बदमाशों ने घात लगाए बैठे हुए थे कि कमलेश सिंह जैसे ही बाहर निकले कि बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दिया और उनके सीने में गोली लगी और वहीं मौके पर ही मौत हो गई। जब इसकी जानकारी हादा कोतवाली पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में हादा कोतवाली के प्रभारी ने बताया कि सूचना मिली तो पुलिस मौके पर गई और मामले की जांच कर रही है। अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गोली क्यों चली? गोली है कि दुश्मनी से बस हमको मारा है। उससे दुश्मनी, उसके चाचा के हत्या में हमारा लड़का आजीवन था जाता था, उसी वजह से दुश्मनी चल रही है। बराबर हम लोग बच के रहते हैं, वो भी अपना हिसाब से, लेकिन आज मौका मिल गया, उसे बाहर बैठे हैं आराम से, बस लोग बता दिया, वही आके तड़के मार दिया उनको। मोहल्ले के किसी ने मुखबरी की है। हाँ।